भाई बिना हाथ पैर की बात सोचेगा तो वो तो वैसे भी नहीं होने वाला, वो भी तो बिना हाथ। लेकिन अपना प्रोसेस चालू है, देखा ये लौड़े जा रहा है। फोन की क्वालिटी खराब भाई, फोन लेने के लिए मैं दबा हुआ मेरी मेन दिक्कत ये। और वो 10 जन का कमेंट आया था कि भाई तुम पहले क्लैरिटी बढ़ाओ यार, तुम्हारी बातें बड़ी होती है लेकिन क्लैरिटी चाहिए। बस जरूर दोस्त, दुआ करो नवंबर तक मैं फोन ले लूँ भाई। दुआ नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना ये जा रहे हैं दुबई में दुआ करने यार। भाई लेकिन लुक है भाई मैं तुम्हारे यार सदा हिला क्या हिला कुछ पता भाई अपना तो त्यौहार ही हुआ। मौसम यार इसे कहने का मौसम, ये दुकान ये दुकान चढ़ा है आंखें नहीं दिखती भाई। कुछ तो बोलना चाहेगा भाई, ये जो अननेचुरल सेक्स हो रहा है क्या बताना चाहता है वैसे? दिस इज इलीगल, बहुत बेकार चीज़ है। ओनली मेंस एंड विमेंस अगर आते हैं वो इंटरकोर्स करते हैं विच इज़ नेचुरली, तो ही बेबी बॉर्न हो सकता है। पर ये जो अननेचुरल सेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है इससे सोसाइटी का चेंजेस बहुत हो सकते हैं। और जो हमारा अच्छा माइंडसेट बना है कि हम किसके साथ करना है, फीमेल के साथ करना है, एक मैन को फीमेल के साथ करना है, फीमेल को मैन के साथ करना चाहिए, यहाँ पे अगर अननेचुरल सेक्स हो जाएगा तो सोसाइटिकल चेंजेस आ जाएंगे और कोई भी किस पे भी उठ खड़ा होगा। बात ऐसी होगी कि एग्जांपल में जैसे कुत्ता है, कुत्ती है, मुझे डॉग रहती है फीमेल डॉग, पीछे से कोई भी आके चल करके चले जाता है तो वैसा सीन हो जाएगा। नहीं, वही पूछेंगे कि पापा कौन है पापा। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मतलब पर्सनली भाई एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं खास करके भाई, मतलब तुम कैसे अलाउ कर रहे हो भाई अपने बच्चों को कि पहले तो सबसे पहली बात तो डांस क्लास बंद कराओ उन लोगों का, क्योंकि भाई मैंने देखा है ज़्यादातर जो लड़के डांस करने जा, मैं भी डांसर हूँ भाई, मैंने भी डांस किया, लेकिन आज के डेट में मुझे डर लगता है डांस से कि भाई ये छिछोरपना मुझसे ना हो जाए। तो भाई मैं पर्सनली मतलब एडवाइस करूँगा सारे पेरेंट्स को कि भाई तुम लोग ना आप लोग मतलब अपने बच्चों को डांस क्लास, फैशन डिज़ाइनिंग ये सब इंस्टीट्यूट में मत डालो, क्योंकि यहाँ जाके भाई कुछ पैसा तो आ जाएगा लेकिन नाम बदनामी इतनी होगी ना, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरे खुद के दो दोस्त लोग भाई अपने दयानंद के दो लड़के वो लोग बन गए क्या बोल रहे हैं हाँ, और कुर्ला स्टेशन पे, मतलब मैं कहीं यूपी बिहार से नहीं भाई, बॉम्बे की जड़ से, यानी कि प्रभा देवी दादर, आप लोग देख सकते हो ये शिवाजी पारे के दोस्त, तो वहाँ से तुम्हारा भाई ये न्यूज़ बता रहा है कि मतलब इतनी गंदगी फैल रही है, मतलब दो लड़के कर रहे हैं भाई, झुकेगा कौन, झुकेगा कौन, ये बात आ जाती है। तो नहीं यार ये मत करो यार, जो चीज़ है उसको चलने दो। तो इससे ये तकलीफ होगी अगर हम लड़के लोग कहीं नहाने जाएंगे, अगर ऐसा माइंडसेट पैदा हो जाएगा और साबुन नीचे से गलती से गिर गया तो झुकने में भी डर लगेगा। वो सबसे बड़ा दिक्कत तो भाई साबुन का ही हो रहा है साबुन भी बैन करा, साबुन बनेगा कतरा जिसने झुका उसका हुआ चंदर अतरा पतरा बात वही होगी, जो झुका वो टूका आइए भाई जल्दी तुम्हारा भाई फोन लेगा और फिर एक नया ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, ये वीडियो तो अपलोड होती रहेगी भाई, सपोर्ट करो। और हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी के कितने काम कर रहे हैं, हम उनके सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, लड़के हैं दो लड़के हैं भाई, मतलब वो दो लड़के आपस में लगे, तीसरा लड़का आ रहा है वो भी लगा है, मतलब क्या चल रहा है यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब अब तो भाई लड़कों की कमी लग रही है मेरे को, वो लड़के नहीं है जिनके छाती पे बाल रहता है, मेरे छाती पे है, तो मैं बहुत ही नसीब वालों को मिलूंगा, ये इसके भी है क्या नहीं भाई, तो भाई। ये कुछ दिनों में तुम्हारे कैटेगरी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये उगाएगा भाई, तुम लेट मार छाती पे बाल वाले भी ऐसा कर रहे हैं अरे भाई करने वाले कर रहे हैं भाई, ना करने वाले नहीं कर रहे, तो हम वो ना करने वाले में से। और ध्यान रखिए वो होल बॉडी करने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, तो सर का की ना उड़ा है।
भाई मतलब कहीं और जाके अपनी करे, ये बकचोदी नहीं करो प्लीज़ यार। मतलब लोग समाज ये चीज़ें, लेकिन मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। आर्टिकल कितना है, 370 377 अप्रूव्ड हो गया है ना? हाँ, वो अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया ब्रो। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि तुम मतलब अपने खुद से सोचो यार, खुद अप्रूव मत, अप्रूव मत, खुद मत। अप्रूव हो गया होने दो, जनहित में जा रही है, जहाँ झुके वहाँ झुके। आप अपने आप को सेव रखो भाई, मतलब शी यार इससे गंदगी क्या हो सकती है। ये चीज़ करने के लिए थोड़ी ना आर्टिकल, ये संविधान भी क्या करेगा, फंडामेंटल राइट बीच में आ जा रहा है, तो उस वजह से संविधान को ये निकालना पड़ा, झुकना ही पड़ा ना ऑलरेडी। लेकिन ये भाई सही नहीं है, अननेचुरल सेक्स है, तुम्हारी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, कुछ होगा नहीं, तुम अडॉप्ट करोगे, फिर बाद में प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू तुम बच्चे को तकलीफ है कि मेरा बाप है, जिसको हाँ इसको माँ बोलूँ। मतलब नहीं यार ऐसा मत करो, जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है वही चलने दो। टाउरी को भी इसी तरह बदनाम किया भाई, टाउरी दहेज वो ये वाला सिम नहीं था दहेज दिया जा रहा है, उसका सिम क्या था कि अमीर लोग जो जब करते थे राजा महाराजा तो वो लोग तोहफे देते थे, तो गरीब लोगों ने देखा उसको, तो गरीब लोगों ने उसको शुरू किया। अब धीरे धीरे कल्चर में डेवलप होने लगा कि नहीं तुमको कुछ देना होगा भाई। हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से लास्ट जो रिचुअल होता है वो कन्यादान होता है ना, सेरेमनी जो होता है कन्यादान होता है। कन्यादान का मतलब केवल ये नहीं कि लड़की को उठा के दे दें, कन्यादान का मतलब ये होता है कि जो कन्या होती है जिनके पिता होते हैं, तो जो जिम्मेदारी अपनी कन्या की निभाई होती है वो तब तक शादी तक वो करती है, फिर वो करने की जिम्मेदारी उसके होने वाले पति को दी जाती है, जिसका जिसका अर्थ है कन्यादान, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका पति लेता है, और उसके साथ हस्बैंड उसका पप्पा लड़की का वो जो चाहे दे यार। उसको बाद में डाउरी में कन्वर्ट मत, दहेज में कन्वर्ट मत करो कि भाई दहेज दहेज ये चीज़ें नहीं है भाई। लड़कियाँ जितनी मतलब यार लड़कियों को भी क्या बोलूँ मैं, तो इस पर नई वीडियो बनाएंगे हम और बात करेंगे और अच्छे से चर्चा में चलेंगे। कैमरा मैन सुशांत गुप्ता के साथ दुर्गेश गिरी बहुत सही, बहुत सही।